यूपी में 24 घंटे में आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले, 30,000 से ज्यादा मामलों में 130 लोगों की मौत। बढ़ते मामलों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मेडिकल ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 9 सेक्टरों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों की ऑक्सीजन सप्लाई। 22 अप्रैल से बंद ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाएगी रेल। कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को 48 घंटे में दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कारोबारी ने बाजार बंद करने की अपील की, उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। चांदनी चौक बाजार को 25 अप्रैल तक किया गया बंद, बाकी बाजार बंद करने के लिए आज कारोबारियों की बैठक। बीती 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने के बाद पति पत्नी ने दरियागंज पर किया हंगामा, बिना मास्क पहने पुलिस वालों से की बदतमीजी, FIR दर्ज। कोरोना के मामले बढ़ने पर हांगकांग ने मंगलवार से भारत जाने वाली सभी फ्लाइट रोकी, 3 मई तक नहीं होगा कोई संचालन। चुनाव प्रचार पर राहुल गांधी के बाद ममता का बड़ा ऐलान, कोलकाता में नहीं करेंगी चुनावी सभा, 26 अप्रैल को केवल प्रतीकात्मक चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन, अमित शाह और JP नड्डा करेंगे जनसभा और रोड शो। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज, लखनऊ समेत 20 जिलों में होगा मतदान, शाम 6 बजे तक की जाएगी वोटिंग। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर खाली करने की कोशिश में तेज, मेरठ जाने वाली एक्सप्रेसवे की 2 लाइनों को खोला गया, गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता अभी भी बंद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।